आवाज क्लियर है सब लोगों को? प्लीज मेक श्योर करें। अच्छा जी, ऐसा है कि अभी हम लोग बस स्टार्ट कर देते हैं। एक मिनट दें जरा मुझे प्लीज। हम लोग जो सबसे पहले आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर दूं, एक सेकंड दे जरा मुझे प्लीज, सिर्फ एक मिनट दे दीजिए आप। मैं जरा हीलियम को लॉगिन कर लूं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्लीज मेक श्योर करें कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी। अच्छा जी, एक सेकंड दें। दोबारा प्लीज, मैं बस ये स्लाइड्स वगैरह निकाल रहा हूँ। अच्छा जी, ऐसा है कि हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर जो क्या कहते हैं क्राइटेरिया पे बात कर रहे थे। आज हम प्रोडक्ट उसको कंप्लीट करेंगे, और इसमें हमने देखा था कि हम हीलियम के थ्रू हम अपना सेरिवो करते थे, हम मैग्नेट के थ्रू उसकी कीवर्ड रिसर्च करते थे, और हम लोगों ने एक्सरे करना सीखा था। आज के सेशन के बाद ये स्लाइड्स हैं, इसमें प्रोडक्ट हंटिंग का पूरा क्राइटेरिया है, ठीक है, लाइक यूएसए और यूके के लिए। आपको इसके बाद, इस सेशन के बाद आपको अगले 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए असाइनमेंट मिलेगी। आपने प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ आना, और अपने अपने एंड से उस क्राइटेरिया के मुताबिक, या तो उस क्राइटेरिया पे या उस क्राइटेरिया के करीब करीब आपने प्रोडक्ट को हंट करना है, ठीक है। अब मैं इस तरफ आता हूँ कि हम लोगों ने प्रोडक्ट हंट करना है, तो वो क्या कहते हैं, उसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैंने जो प्रोडक्ट की बात की थी, वो ये बात की थी कि प्रोडक्ट हंट करनी कैसे, उसके क्या तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं तरीके मैंने उस दिन बताए थे, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि किस तरीके से प्रोडक्ट को हंट करना है, ठीक है, उसके लिए उसकी क्या टेक्निक्स हैं, और
टेक्निक्स के बाद आपने किस क्राइटेरिया पे, मतलब वो तरीका तो अप्लाई कर देना, लाइक जिस तरह अलीबाबा पे जाते हैं, या आप माइनस स्ट्रिंग फार्मूले पे जाते हैं, या कोई भी आप चीज के ऊपर जाते हैं, और उसके बाद आपने क्या क्या चीजें देखनी होती है, वो है प्रोडक्ट हंटिंग का मेन पार्ट। ठीक है, तो हम अभी वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी कि इसकी टेक्निक्स है, प्रोडक्ट हंट करनी कैसे है। आपके पास सबसे पहले जो है वो अलीबाबा है, ठीक है, अलीबाबा है, अलीबाबा की एक साइट है ये। बेसिकली हम बाद में प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। अलीबाबा डॉट कॉम एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है ना। इसके ऊपर आप लोग जाएंगे, इसके ऊपर जाने के बाद आप लोग ये क्या कहते हैं, इधर से आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ये देखें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसमें आप एक खोलेंगे, उसके नीचे उसके सजेशंस में बहुत सारी प्रोडक्ट आएंगी, ठीक है ना। आप कुछ सिलिकॉन की आइटम ले सकते हैं, आप कोई प्लास्टिक की आइटम ले सकते हैं, आप कोई होम एंड किचन की आइटम ले सकते हैं। इसके अंदर ये देखें जी, ये कुछ सर्च टर्म्स आ रही हैं, ये कैटेगरीज आ रही हैं बहुत सारी, ठीक है। होम एंड किचन में घुस के, फर्नीचर के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसको हंट कर सकते हैं। आप किसी भी एक चीज के ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। आप इसमें अच्छी लगे, जो आपको लगे कि भाई ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं इधर से लेट्स सपोज कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ लेता हूँ, इस तरह ये चॉपिंग बोर्ड है, ठीक है ना, ये चॉपिंग बोर्ड आ रहा है मेरे सामने, ठीक है ना। तो जिस तरह मैंने ये खोला है चॉपिंग बोर्ड, तो मैं ये वाली प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर सकता हूँ। आज हम इसके ऊपर इसको देखते हैं कि ये हमें वैलिडेट करता है कि नहीं करता, इसमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो हमारे पास है अलीबाबा है, उसके बाद आपने ये अलीबाबा खोल लिया, फर्ज करें लाइक ये अलीबाबा का कोई प्रोडक्ट खोल लिया, ठीक है। उसके बाद ये उसका सप्लायर है, ठीक है, जो आ रहा होगा, ये आ रहा है सप्लायर का नाम, इसका पूरा एड्रेस। अगर आप इसको खोलते हैं ना, ठीक है, तो इसका एक पूरा स्टोर खुल जाएगा, इसकी चीजें आ जाएंगी सारी इधर, ठीक है ना। ये देखें, ये अपने बारे में बता रहा है, बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, आपको खोल खोल के देखने पड़ेंगे। देखिए अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बता रहे हैं कि ये इस तरह की राउंड चॉपिंग बोर्ड भी बेच रहा है, ये भी बेच रहे हैं, इनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आप इनके कैटलॉग में घुस सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी आपको प्रोडक्ट हंटिंग करने में आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ठीक है ना, वो आप अपने उसमें ले सकते हैं। ये देखें इसके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने देखना है अलीबाबा की हॉट सेलिंग आइटम कैटेगरीज क्या है, ठीक है। आपने अलीबाबा खोलना है, और अलीबाबा पे ऊपर एक ऑप्शन आ रही होगी हॉट सेलिंग की, पता नहीं, तो देखते हैं अभी आ रही है कि नहीं आ रही, खोलते हैं। लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे इधर एक ऑप्शन आ रही होती है हॉट सेलिंग की ऑल कैटेगरीज में, ठीक है ना। ये इस तरह ये न्यू अराइवल आ गई, ड्रॉप शिपिंग की आ गई, ये क्या कहते हैं, वीकली डील्स आ गई है, बेसिकली हॉट सेलिंग आइटम्स ही हैं, ठीक है ना। तो आप इसको खोल सकते हैं, इधर से आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने अली एक्सप्रेस खोलना है। अली एक्सप्रेस क्या है, अली एक्सप्रेस एक रिटेल साइट है वो अली बाबा की तरह की, लेकिन इधर एक रिटेल आइटम्स मिलती हैं, बेसिकली एक दो पीसेस भी मिल जाते हैं, लेकिन अली बाबा के ऊपर मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है, और अली एक्सप्रेस पे ज्यादातर, ठीक है, आपको रिटेल प्रोडक्ट भी लेनी है, ठीक है, आपको वो प्रोडक्ट भी मिल सकती है। अब मैं अली एक्सप्रेस पे जा रहा हूँ, अली एक्सप्रेस खोल के देखता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, इसको रजिस्टर कर देते हैं। इधर से आपने रजिस्ट्रेशन खुद ही कर लेनी है, अपना नंबर डालना है और इधर से साइन इन कर लेना है, ठीक है। आपको इसी तरह की ही यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने माइनस स्ट्रिंग फार्मूला यूज करना, उस दिन इंटरनेट का इश्यू आ गया था, इसी वजह से ये हम डिस्कस नहीं कर सके थे। माइनस स्ट्रिंग क्या होता है, माइनस स्ट्रिंग का मतलब ये है, सबसे पहले आपने अमेजोन डॉट कॉम खोलना है, इधर यूएसए का पोस्टर कोड डालना है, ठीक है। आपने जब भी हंटिंग करनी है अमेजोन के ऊपर, तो आपने सबसे पहले जो भी डिजायर्ड मार्केट है उसका पोस्टर कोड लाजमी डालना है। आप इधर जाएं, इधर जाके आप लिखें माइनस, और अपनी मर्जी से आठ कोई भी रैंडम वर्ड्स लिख दें, ठीक है, कोई भी आठ रैंडम वर्ड्स, जिसका नाम जिस कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, एक्स वाई जी कुछ भी, ठीक है। ये देखें,
और मैं इसको एंटर कर दूंगा ना, ये आपको मुख्तलिफ कुछ बहुत सारी प्रोडक्ट्स दे देगा। आपको यहाँ से भी प्रोडक्ट्स ढूंढने में आपको मदद मिल जाएगी, ठीक है ना, आपको यहाँ से प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली था, और इसका एक और फ्रेज है, प्रोडक्ट रिसर्च की और टेक्निक्स है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बेस्ट सेलर देखने हैं ऑल कैटेगरीज के, वो कहाँ से मिलेंगे। आपने amazon.com खोला, इधर से खोला, पर आपने ये बेस्ट सेलर लिखा आ रहा है, ठीक है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, 25-30 कैटेगरीज के आपको बेस्ट सेलर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैं खोलता हूँ, ये देखिए जी, बेस्ट सेलर्स खुल के, ये बेस्ट सेलिंग आइटम्स हैं। ये यहाँ से भी आपको अच्छी 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 प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपको आइडियाज मिल सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए। उसके बाद क्या करना है, आपने कूपन वेबसाइट्स हैं ये आपको दे दी जाएंगी, आप इधर से भी तलाश कर सकते हैं। उसके बाद टाइप एनी लेटर इन द सर्च बार एंड रिकमेंडेशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपके पास हीलियम की एक्सटेंशन हुई हुई है, ठीक है, मैं भी चेक करता हूँ, रुकें जरा। मैंने amazon.com खोल लिया, और मैं इधर फर्स्ट करें टाइप कर रहा हूँ CH, ठीक है। मैंने CH टाइप किया, तो ये देखिए वो उसमें हमें सजेशंस दे रहा है, ठीक है। टिप्स आ रहा है, चेयर आ रही है, चॉकलेट आ रही है, केन आ रही है, चार्जर आ रहा है, इस तरह की प्रोडक्ट सजेशंस में आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इनके सर्च वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स आपको मिल सकती हैं इधर से। आप कहते हैं चेक, क्या कहते हैं, टाइप एनीथिंग एनीथिंग लेटर इन अमेजोन सर्च बार, चेक अमेजोन रिकमेंडेशन और हीलियम 10 रिकमेंडेशन, ये आपको खुद ही बता देगा, ठीक है। उसके बाद चेक एनी अमेजोन प्रोडक्ट रिव्यू और क्लिक प्रोफाइल एंड चेक परचेज हिस्ट्री। आपने इधर से फर्श करें, आपको इधर को प्रोडक्ट नजर आ रही है, लाइक मैं कोई भी प्रोडक्ट खोल देता हूँ। इधर से ये फर्श करें, मैंने एक चप्पल टाइप खोल ली, या एक कैप खोल ली, कुछ भी खोल लिया, फर्स्ट करें खोल लिया, ठीक है। इसके मैं रिव्यूज में जाता हूँ, ठीक है, ये मैं इसके रिव्यूज में चला गया, रिव्यू रेटिंग्स पे मैंने क्लिक किया, तो ये मुझे नीचे रिव्यूज पे ले आएगा, ठीक है। जो रिव्यूअर्स हैं उन्होंने क्या क्या रिव्यूज दिए हुए हैं वो दिखाएगा, अभी दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये रिव्यूअर्स हैं अमेजोन के, आप इसको खोलें, इनमें से अक्सर लोग होते हैं, ये देखें इन्होंने रिव्यू दिए होते हैं। इसको अलग टैब में खोलें, ये रिव्यूअर की प्रोफाइल खुल जाएगी। अब खोलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, अलेक्जेंड्रा की उसकी प्रोफाइल खुल गई। इसने भाई देखें क्या क्या चीज़ें परचेज की हुई हैं, ये परचेज की हुई है, ये प्रोडक्ट परचेज की हुई है, ये प्रोडक्ट परचेज की हुई है, ये प्रोडक्ट परचेज की हुई है। यहाँ से आपको आइडियाज मिल जाएंगे भाई, लोग किस किस तरह की प्रोडक्ट बाय करते हैं, ठीक है, आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपने ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल करना है। ब्लैक बॉक्स इस तरह यूज होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले जाना है इधर से हीलियम पे, हीलियम की एक्सटेंशन ऑन करनी है आपने, और यहाँ पे जाने के बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद जब आपके पास हीलियम 10 ये वाला टूल खुल जाएगा, तो आपने लेफ्ट साइड पे टूल्स के ऊपर क्लिक करना है, और टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ब्लैक बॉक्स बॉक्स पे क्लिक कर देना है। ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा भाई मार्केट है, इधर से आप कोई भी कैटेगरी ले सकते हैं, बुक्स की ले सकते हैं, होम एंड किचन की ले सकते हैं, ग्रॉसरी की ले सकते हैं, ज्यादातर होम एंड किचन की लिया करें, इसमें से अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है। उसके बाद आपको ये रेंज को इसको छोड़ दें ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद आप कंपटीशन लो पे रखें, और 0 से 30 के दरमियान कोई प्रोडक्ट रखें, ठीक है ना। तो और मंथली रेवेन्यू को भी आप फिलहाल छोड़ दें, या इसको एटलीस्ट 10,000 प्लस कर लें, ठीक है ना। ये फिल्टर्स लगा लें इसके ऊपर, सर्च करें, ये आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको दिखा देगा, ठीक है।
नंबर ऑफ प्रोडक्ट दिखा रहा है, बहुत सारी प्रोडक्ट दिखा रहा है ये। आप सेकंड पेज पे जाएं, थर्ड पेज पे जाएं, आपको बहुत सारी जिसके ऊपर आप क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। आपको अच्छी लगती है इसको अलग अलग टैब में खोलें, उसका एनालिसिस करें। अब आ गई एनालिसिस की बारी। ये तो बेसिकली तरीका था कि प्रोडक्ट हंट करनी कैसे। अब अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स अच्छी लग रही हैं, उनको अलग अलग टैब्स में खोलते जाएं, ठीक है, उसको फिर किस क्राइटेरिया पे आपने रखना है, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया आ गया यूएसए के लिए, इसी तरह ही यूके के लिए है। हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे कि हमने यूएसए के लिए क्या क्राइटेरिया रखना है। प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है 20 से 55 के दरमियान, ठीक है। अब मैं आपको लेके आता हूँ किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। हम यहाँ पे कोई रख लेते हैं, यहाँ से कुछ चीज, यहीं से कुछ चीज ले लेते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ से ले लेते हैं, हमें नजर आ जाए अगर अच्छी सी प्रोडक्ट। पिलोज ही ले लेते हैं, या हम इधर से कर्टन ले लेते हैं। कर्टन हम इधर अमेजोन पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं कर्टन्स। अब मैंने ये कर्टन टाइप कर लिया, ठीक है, कर्टन्स आ गए मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट का ना मेन कीवर्ड निकालना है। आपने कोई भी प्रोडक्ट खोल ली कंपेटिटर की, उसका आपने रिवर्स एसिन किया और वहां से आपने मेन कीवर्ड निकाल लिया। फर्ज करें कर्टन आ गया, आपने इधर जाना है, इधर जाने के बाद आपने इसका करना है एक्सरे, ठीक है। ये एक्सरे आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे। एक्सरे पे क्लिक करने के बाद वो आपके सामने एक विंडो खोल देगा। आवाज नहीं आ रही मेरी, प्लीज बताएं। मैं सादिया, आवाज क्लियर नहीं है मेरी? आवाज क्लियर नहीं है किसी को भी? क्लियर नहीं है मेरी आवाज, प्लीज बताएं। चलिए ठीक हो गया, चलिए ठीक है। अच्छा जी, मैंने इसका किया एक्सरे, मैंने एक कीवर्ड टाइप किया, मुझे एक प्रोडक्ट मिली, उसका मैंने मेन कीवर्ड फाइंड किया और मैंने उसका एक्सरे कर लिया, ठीक है ना। एक्सरे करने के बाद यहाँ पे आएगा एक्सरे, सॉरी सर नहीं है क्लियर। आप एक सेकंड प्लीज बताएं, मेरी आवाज क्लियर नहीं है किसी को भी? बाकी तो सारे कह रहे हैं क्लियर है, सिर्फ एक के साथ इश्यू है, सबके साथ इश्यू है। खराब है, मेरे एंड से खराब होगा तो फिर किसी को भी आवाज नहीं आएगी क्लियर। आप सही है, बीच में अच्छा हो जाती है। अच्छा मैं देख लेता हूँ इसको।
जी बिल्कुल, मैं दे देता हूँ रिवर्स एसन का भी, पहले ये हम बड़ा एक्सरे इसको खोल के देख लें। अच्छा आज ऐसा है कि सेशन एंड होने के बाद जुनेद हैं, अब वो आपको हीलियम 10 भी जो भी जिसने से लेना, बल्कि आप सब लोग लेंगे, हीलियम 10 आपको परचेस करना पड़ेगा। तो वो टूल के ऊपर आपने ये काम करना है, ठीक है ना? तो क्या कहते हैं, आपने लाजमी ले लेना आज, ठीक है ना? हीलियम 10 टूल्स तो आप लोग आज से इसके ऊपर काम करेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बुध वाले दिन, क्योंकि बाद में ईद की छुट्टियां आ जानी है, उसके बाद फिर हम सोर्सिंग के, अमेजोन प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर अब काम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रोडक्ट सोर्सिंग का। आज इसको हम ये वाइंड अप करेंगे ये प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, ठीक है ना? तो मैं अभी ये खोलता हूँ और इसके बाद ऐसा है कि आप लोगों ने प्राइस वगैरह ये सारा कुछ जुनेद आपको बताएंगे, आपने एडमिनिस्ट्रेशन में है, आप लोग उनसे रापता करना है, वो आपको हर चीज़ इसके बारे में बताएंगे कि प्राइस कितनी है, किससे लेना है, आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे हीलियम 10 टूल वाले का या टूल वाली का, तो आपने उनसे रापता करना है, ठीक है ना? तो मुझे ज़रा 1 मिनट दें। जुनेद 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना जरा। अच्छा जी, हम लोग जो अभी थे इसको अपलोड होने दें, ये हो रहा है अपलोड, इतनी देर में हम लोग देखते हैं कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग, अगर फर्स्ट करें आपको एक प्रोडक्ट मिल गई है, आपने उसका करना है रिवर्स एसईओ, और वहां से आपने उसका मेन कीवर्ड फाइंड करना है, ठीक है? मेन कीवर्ड फाइंड करने के बाद आपने इस तरह कीवर्ड टाइप करना है और उसका कर लेना एक्सरे। अभी एक्सरे अपलोड हो जाए तो फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है? क्या कहते हैं, आपने उसमें क्या क्या क्राइटेरिया देखने हैं? आपने देखना है उसकी प्राइस $20 से लेकर $55 के दरमियान हो, लाइक उसकी सेलिंग प्राइस, जो भी प्रोडक्ट देख रहे हैं उसकी एवरेज प्राइस आपकी इसके अंदर अंदर आती हो, ठीक है? मेन कीवर्ड आपका निकला है, उसका सर्च वॉल्यूम 10,000 एटलीस्ट हो, ठीक है? उसके बाद आपने एक चीज देखनी है, अभी खोलता तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी जो टॉप 10 आपके सेलर्स निकलेंगे एक्सरे करने के बाद,
उसकी रेटिंग 4 एटलीस्ट 4.5 हो, या टॉप 10 की रेटिंग एटलीस्ट 70%, यानी कि 10 सेलर्स में से एटलीस्ट 7 सेलर्स की सेलिंग की जो रेटिंग है वो एवरेज रेटिंग जो वो 4.5 या 4.5 से ऊपर हो, उसके बाद आपके जो सेलर्स निकले 50% जो सेलर्स होंगे आपके वो इंडिविजुअल सेलर हों और उनकी वेरिएशंस ना हो। मैंने आपको बताया था वेरिएशन वाले भी होते हैं, लाइक उसके नीचे कलर्स की वेरिएशंस आ जाती हैं, एक वेरिएशन है या पैक ऑफ वेरिएशन बोल रहे हैं, ठीक है। आपके टॉप 10 में से 50% एटलीस्ट सेलर कम, यानी कि ना चार या चार इनमें से इंडिविजुअल सेलर हो, या क्या कहते हैं उसमें से आपकी चार वेरिएशन से उसकी ज्यादा वेरिएशन, ठीक है ना। उसका जो मंथली रेवेन्यू है वो कहाँ पे शो होता है, ये हीलियम में अभी अभी कर रहा है, ये देखें जी आ गया। सर्च वॉल्यूम कितना आया है, 1,42,000 सर्च वॉल्यूम आ गया। आपने सबसे पहले देखना है इसकी प्राइस, एवरेज प्राइस कितनी है, यानी कि कितनी निकली है, एवरेज प्राइस 30 निकली है, ठीक है, ये क्राइटेरिया को मीट करता है। दूसरी चीज क्या है, इसके मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 10,000 या 10,000 से ज्यादा हो, वो लिखा आ रहा है इस जगह पे, सर्च वॉल्यूम उसका आ रहा है 1,42,000, ठीक है, ये वाली कंडीशन में मीट करती है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या आ रही है, आपके जो पहले 10 सेलर्स हैं, ठीक है, उसमें से पहले 10 सेलर्स में से आपने कि 7 सेलर एटलीस्ट 4.5 या 4.5 से रेटिंग ज्यादा हो, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, सब कुछ करने से पहले ना आपने ये स्पॉन्सर्ड वाले जो ये है ना स्पॉन्सर्ड, जिनके आगे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये आपने इनको इनको यहाँ पे बिन कर, क्यों बिन करना है नहीं है, बेसिकली स्पॉन्सर्ड बता रहा है, ठीक है, यहाँ से भी ये उड़ा दें टॉप 10 में से, ठीक है, जितने भी यहाँ से उड़ा दें, और यहाँ उसके बाद आपने देखना है पहले 10 सेलर्स को आपने देखना है, बेसिकली आपने कोई फिल्टर नहीं लगाना, बस ये आपने इसको, ये आपको बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग को आपने देखना है और साथ साथ इसको चीज को फॉलो करना है। आपने पहले 10 सेलर्स आ गए, ठीक है, इसमें से एटलीस्ट 7 सेलर्स की जो रेटिंग्स हैं वो कितनी हो, वो 4.5 से ऊपर हो, इधर चले सबकी रेटिंग एटलीस्ट 4.5 से ऊपर ही आ रही है, ये क्राइटेरिया भी हमारा मीट कर रहा है, ठीक है, ये क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये जो सेलर्स हैं इसकी 50% सेलर हो, उनकी को वेरिएशंस कैसे पता चलेंगे, आपने वेरिएशन देखनी है, आप बिल्कुल वेरिएशन देखें, वेरिएशन का काम वेरिएशन का कॉलम भी होगा, या मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, या आपने इधर एसिन से भी खोल के देख लेना, चेक कर लेना, एक सेकेंड दें जरा, आपने इसको यहां से खोल के देखना है, ठीक है, बारी बारी खोल के देखना है, इसकी कोई वेरिएशन तो नहीं है, इसके भाई वेरिएशन। उसके बाद दूसरा सेलर पकड़े, यहाँ पे आपने इसके एसएन के ऊपर क्लिक करना है, ASIN पे क्लिक करना है, वो आपको बताएगा बिल्कुल इसकी वेरिएशन है, ठीक है, थर्ड आ गया, इसकी भी बहुत सारी वेरिएशन है, और फोर आ गया, फोर्थ नंबर पे आ गया, इसकी भी वेरिएशन है, ठीक है ना। तो ये आपकी इस जगह पे आके प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगी। ये वेरिएशन का क्या मतलब होता है, हम जब प्रोडक्ट कोई लॉन्च करने लगते हैं, इसकी वजह क्या है, हम वेरिएशन क्यों देख रहे हैं, हमारा बेसिकली मुकाबला है, ये हमारे कंपेटिटर्स हैं जिनकी हमने ये स्टैट्स निकाली हुई है, ठीक है ना। हमारी जो प्रोडक्ट की वेरिएशन है वो चार या चार से ज्यादा ना, कम से कम 50% की, बेसिकली 5% की, ये 6 लोगों की तो वैसे ही निकल आई है, देख के पता चल रहा है कि उसकी वेरिएशन है। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गई साइट पर, या आप दूसरी प्रोडक्ट की तरफ चलना शुरू करें, ठीक है ना। तो
वेरिएशन वेरिएशन इस तरह पता चला, मैंने आपको पहले सेशन में बताया था, कोई भी ये देखें ये प्रोडक्ट है इसको खोलें, इसको ब्लू एसएन के ऊपर क्लिक करें, वो आपको प्रोडक्ट खोल देगा। वेरिएशंस होती हैं, उसके साइजेस होते हैं, ये देखें एक साइज है, दो साइज है, तीन साइज है, ये साइजेस हैं, ये कलर्स हैं, ये वेरिएशंस कहलाती हैं इसकी। यानी कि ये इस वेरिएशन में भी है, ये इस वेरिएशन में भी है, इस कलर में भी है, इस कलर में भी है, इस कलर में भी है, ये वेरिएशन है, ये जितने कलर्स हैं इतनी वेरिएशन कहलाती हैं ये। ठीक है, चलें जी बेहतरीन हो गया। अब ऐसा है कि ये तो निकल आए, उसके बाद आपने देखना है इसका एवरेज मंथली रेवेन्यू मस्ट बी मिनिमम 8,000। अभी तो ये प्रोजेक्ट हो गई रिजेक्ट इस वेरिएशन की वजह से, ठीक है, लेकिन अभी चूंकि हमने ये प्रोडक्ट खोली भी है, मैं आपको सारे एस्पेक्ट दिखाऊं अपने जी, आपने नोट कर लेना, फॉरन रिजेक्ट करके दूसरे उस पर नहीं चला जाना, हो सकता है एक आधी चीज मिस हो, बाकी सारा कुछ कंप्लीट हो रहा हो, सारा कुछ मैच हो रहा हो, तो वो नहीं देखना। अब इसका एवरेज रेवेन्यू क्या कहाँ पे है, वो एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे है, ठीक है। ये आप रिकॉर्डिंग खोलेंगे ना, अगर आपको चीज भूल भी जाते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग खोलेंगे आपको चीज हमने चाहिए एवरेज वो करता है। उसके बाद कहते हैं कॉन्स्टेंट मंथली सेल्स रेवेन्यू स्पेशल